क्या आपके घर में भी आइसक्रीम के ऐसे खाली कप्स पड़े हुए हैं? या तो आइसक्रीम खाने के बाद आप इसे कचरे में डाल देते हो, तो इसे कचरा समझ के फेंकने से अच्छा है कि हम इसे रीयूज़ करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है और इसे कैसे एक नया लुक देना है। तो इसे डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए ये एक्रेलिक कलर्स, इसमें 10 कलर्स आते हैं। फेविकॉल चाहिए, 2 ब्रश चाहिए, एक स्मॉल और एक मीडियम। फिर चाहिए ये नीडल्स जिसे हम अच्छे से डॉट दे सकते हैं, और इसे डेकोरेट करने के लिए ये मिरर्स। तो सबसे पहले ये जो हमारा कप है इसको हम एक कलर देंगे, आप जो भी कलर देना चाहो इसे दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट येलो कलर लिया है, तो येलो कलर से इसे पूरा कवर कर लेना है, कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। तो मैंने पहले इसे बाहर से कलर किया था, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, तो इससे अच्छा है कि पहले आप इसे अंदर से कलर कर लो और इसके बाद आप बाहर से इसे इजीली कलर दे सकते हो। अंदर से और बाहर से और इसके नीचे सब जगह कवर कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 4 ऐसे कप्स लिए और चारों को अलग अलग कलर किया था मैंने। जब हम इसे कलर करते हैं तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ना है ताकि अच्छे से सूख जाए, और ये सूखने के बाद ही हम इस पर कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। तो मैंने ये रेड कलर का जो कप है इसमें ऐसी कुछ डिज़ाइन बनाई है, बट आपको जैसी डिज़ाइन अच्छी लगती है आप वैसी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। और रेड कलर पे या जो भी डार्क कलर है उस पर लाइट शेड हमेशा एक अलग लुक देता है, तो लाइट कलर पे डार्क और डार्क कलर पे लाइट शेड कलर हमें यूज़ करना है। तो ये जो रेड कलर का बाउल था मैंने इसे डेकोरेट किया। उसके बाद मैंने ब्लू कलर का लिया था, तो मैंने हर एक कप पे अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कलर यूज़ किए हैं ताकि सब अलग दिखे। और ये जो कप है हम इसे कोई भी फेस्टिवल में या दिवाली में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डॉट दिए थे उस पर फिर मैंने यहाँ पे एक एक छोड़ के ऐसा यहाँ पे एक मिरर स्टिक किया था। उसके लिए पहले मैंने इसे फेविकॉल से कवर कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे इस पे छोटा सर्कल, छोटा गोल साइज में मिरर लगाया था। और जो बड़ा फ्लावर दिख रहा है वाइट, उस पर भी सेंटर पे मैंने एक मिरर लगाया था। तो आप देख सकते हो ये इसी तरह से मैंने चारों भी अलग अलग कलर और अलग अलग डिज़ाइन से कवर कर लिया। देखिए ये फेंकने से अच्छा है कि यहाँ पे इसका कितना अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। होम डेकोर के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसे वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ईजी है और बहुत सुंदर होता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है वो भी ज़रूर देखना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।